हेलो नमस्कार, मैं साकेत, आप देख रहे हो हिट मी 05। आज सुबह वाला वीडियो आपको कैसा लगा? बहुत बार जो होता है ना, गुस्सा बाहर आ जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर क्या करें। देखिए, जो भी यूट्यूबर देख रहे हैं उनको मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ। आप बहुत अच्छे हो, आप अपना काम बहुत अच्छा कर रहे हो। अगर आप सही इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, अपने जो भी सब्सक्राइबर है उसके साथ अगर आप लॉयल हो, तो आपके सब्सक्राइबर मेरे पास नहीं आएंगे। मैं नहीं बोलता कि मैं बहुत अच्छा हूँ, पर मैं ये भी नहीं बोलता कि आप बुरे हो। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, करते रहो। बस छोटा सा मैसेज था। चलिए आज बात करेंगे, क्या पॉसिबल है कि मोरेटोरियम मिल सकता है? सुप्रीम कोर्ट के फाइनल ऑर्डर के बाद भी क्या पॉसिबल है कि मोरेटोरियम मिल सकता है? कम से कम 3 महीने का तो मोरेटोरियम मिलना चाहिए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप अपने आस पास देखोगे तो सब कुछ नॉर्मल नहीं हुआ। जिनके भी जॉब थे, बहुत सारे लोग पास जॉब मिला, बहुत को जो जॉब मिला वो उतने सैलरी पे नहीं मिला। कोई 30%, 40%, 60%, पर 100% सैलरी पे कोई काम नहीं कर रहा। जो भी धंधा व्यापार जो भी कर रहे थे उनकी भी क्या हालत है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। पर यहाँ पे बैंक, NBFC कंपनी कंटिन्यू सुप्रीम कोर्ट के फाइनल ऑर्डर के बाद कंटिन्यू आपको लीगल नोटिस भेज रही है। कभी चेक बाउंसिंग का, तो कभी आप पे सरफेसी एक्ट का, कभी आपको मैंने अलग अलग तरीके से आपको डरा के रिकवरी एजेंट को तो पीछे लगा ही रखे हैं। पर यहाँ पर एक बात समझिए, आप कुछ भी कर लो, आप लीगल नोटिस भेज दो, आप उनके घर दुकान मकान सब कुछ भेज दो, पर जिसके पास पैसे नहीं हैं वो कहाँ से देगा? वो चोरी करेगा? सबसे पहले समझिए कि आपका कोई भी लोन है, किसी भी तरह का कोई भी लोन है, तो सबसे पहले क्लियर करते जिनके पास अनसिक्योर लोन है, जो क्रेडिट कार्ड है, पर्सनल लोन है। अगर आपसे पे होता है तो कीजिए, अगर नहीं होता है तो अपने बैंक NBFC कंपनी से मिलिए, क्योंकि अगर आप नहीं मिलोगे तो जितने भी रिकवरी एजेंट है वो आपके पीछे लगा देंगे, आपको तरह तरह के नोटिस देंगे। और नोटिस में सिंपल सा चीज़ नहीं लिख देते कि आपका चेक बाउंस हुआ चाहे कुछ, लंबा चौड़ा लिख देंगे कि आपका ये हो गया है, वो हो गया, ये धारा 138, 136, बहुत सारा चीज़ लिख देते हैं जिससे उनको डर लग जाता है। मैं धारा का नाम इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि एक पर्टिकुलर नोटिस नहीं आता, कभी सरफेसी एक्ट के नाम पे आता है तो कभी और बैंक वाले जो नोटिस भेजते हैं, ये नहीं कि उसमें सिंपल सा लिख दे कि सर आपने EMI पे नहीं किया, आपका चेक बाउंस हो रहा है, आप पे हम लीगल कार्रवाई करेंगे, इतना लंबा चौड़ा लिख देंगे, कानूनी टर्म्स लिख देंगे, जो एक कस्टमर को तो पता ही नहीं होता है कि मैंने क्या कर दिया, कि मैंने किसी का मर्डर कर तो नहीं दिया, इतना लंबा चौड़ा चीज़ लिख देते हो। पर एक सिंपल सा बात समझिए, अगर आपका कोई भी अनसिक्योर लोन हो, आपके पास पैसे नहीं हैं, आप मिलिए और वहाँ भी जाके सेम चीज़ बोलिए, मेरे पास पैसे नहीं है, आपको अब क्या करना है, आगे बोलिए। बैंक आपकी जान नहीं ले लेगा, चाहे उसके पास ये राइट नहीं कि आपके घर के सामान को बेच देगा। मेरा चेक बाउंस हुआ, जाके केस करोगे, 6 महीना, 2 साल, 3 साल का जेल होगा। और आज तक किसी को हुआ नहीं है कि किसी का चेक बाउंस पे अगर आप पे कोई केस करता है तो उस पे आप सबसे पहले अपने आप को कमज़ोर ना समझें, वहाँ पे माननीय कोर्ट के सामने जाइए और अपने पक्ष को रखिए कि सर मेरे पास पैसा नहीं था, मार्च तक तो आपने NPA पे रोक लगा रखा था और सिचुएशन अभी सुधरा नहीं है, ऊपर से इनका लीगल नोटिस। अगर किसी के पास सिक्योर लोन है तो इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके पास सिक्योर लोन है तो जो भी प्रॉपर्टी है, घर मकान बाइक कार, अगर आपसे हो सकता है, अगर आप EMI पे कर पाओगे, आपको लगता है कि इतने दिन के बाद अगर कोई ऑप्शन है हम पे कर देंगे, तभी रिस्क लीजिए, अन्यथा उस प्रॉपर्टी को उनको दे दीजिए। पहला, एक तो रिकवरी एजेंट आपको परेशान कर रहा है, दूसरा वो किसी न किसी तरह के सरफेसी एक्ट लगा के वहाँ पे नीलाम कर देंगे, ज़्यादा बदनामी होता है। आप खुद से मकान दुकान अगर कुछ भी है, अगर वहाँ पे आपके पास लगता है कि इससे ज़्यादा वैल्यू है कि मेरा सिविल स्कोर सही रखे, क्योंकि फ्यूचर में आप कर लोगे, जमा करो, उस चीज़ को ख़त्म करो, क्योंकि ये मेंटली आप टेंशन में रहोगे ना तो आगे भी कुछ नहीं कर पाओगे, एक डर बना रहता है। अब बात करते हैं कि अगर सब के साथ 2 महीने 3 महीने, मैं बोल रहा हूँ 2 साल का भी मोरेटोरियम दे दिया गया तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? आप पे तो इतना इंटरेस्ट लगा दिया जाएगा कि आपसे बाद में पे नहीं हो पाएगा, इस चीज़ को समझिए। अब अगर बैंक और NBFC कंपनी सबको लीगल नोटिस भेजे, सबके लोन अकाउंट को NPA में डाले,
तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि सारे बैंक पे ताला लग जाएगा। एनबीएफसी कंपनी में तो बहुत पे लगेंगे ही लगेंगे, आप वेट कर लीजिए। जो किसान आंदोलन हुआ था कि लोगों को लगा जब वो हित में नहीं है तो लोग फ्रंट में आए। मैं बता रहा हूँ, जब लोगों के पास पैसे नहीं होंगे वो परेशान हो जाएंगे कि बैंक सुन नहीं रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट कान में तेल डाल के बैठा हुआ है, यहाँ लोगों के पास पैसे नहीं है और बैंक एनबीएफसी कंपनी चढ़े हुए हैं आप पे। लोग अंत में परेशान होकर रोड पे आ जाएंगे। आप कितना भी नोटिस भेज लो, उसके बाद कुछ भी कर लो, पैसा होगा तो पे होगा ना। तो अंत में बैंक मजबूर होकर आपको मॉरेटोरियम देंगे, इस बात को आप लिख लो, एक बात समझो। जब पैसा है नहीं, कुछ भी कर लो, मेरे सामने आके कुछ भी कर लो, मुझे जेल में भी डाल लो, तो उससे बैंक का पैसा नहीं आ जाता। इस चीज को समझिए। तो आप डर रहे हो ना, कि बहुत सारे लोग डर रहे हैं कि सर नोटिस आ रहा है। अरे वो क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सके, कम से कम नोटिस भी नहीं भेजे आपको, इस चीज़ को समझिए। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा, और बहुत जल्द मुझे लगता है और बहुत सारे लोगों को स्टेप लेना भी चाहिए, अपने हक के लिए रोड पे आना पड़े वो भी आइए। जय हिंद, वंदे मातरम।